हैंडल जो है बिल्कुल फ्री रहना चाहिए इस तरह से, ताकि ड्राइविंग में आसानी हो। और ये टाइट रहने के बाद बहुत सारा खतरा होता है, हैंडल इधर उधर भाग जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। हेलो दोस्तों, आज है मेरे पास हीरो HF डिलक्स, आप देख सकते हैं। और इसमें दिक्कत यह है कि इसका हैंडल जो है वो बहुत ही ज़्यादा जाम है, तो हम इसका हैंडल का काम करेंगे। ये जो है यहाँ पर ये हैंडल है, तो यहाँ पर बोल्डेसर रहता है, अगर जो बोल्डेसर ख़राब होगा तो नया चेंज होगा, अगर जो बोल्डेसर ख़राब नहीं होगा तो इसमें सिर्फ छर्रा लगेगा, इसका आता है गोली, वो छर्रा लगेगा फिर ये हैंडल ठीक हो जाएगा। इससे होता क्या है कि गाड़ी चलाते समय गाड़ी ज़्यादा हैंडल टाइट रहता है तो मतलब बैलेंस बिगड़ जाता है, तो इससे खतरा हो सकता है बहुत ज़्यादा, तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो हम इसका काम करेंगे अभी, और चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहे और हम खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से इसका सोकर वाइल भी लीकेज का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो इसमें ओरिंग लगेगा और वाइल कम होगा तो वाइल डालेंगे हम। और इसमें अभी फुल सर्विस होगा, गाड़ी कम से कम पर डे 100 किलोमीटर चलता है तो इसमें अच्छे ढंग से सर्विस होगा। तो आप मेरे साथ बने रहे, आपको हम दिखाते हैं कैसे काम किया जाता है और क्या सही तरीका है, और इसमें बोल्डेसर कौन सा लगेगा, इसमें छर्रा कौन सा लगेगा, और कितना दाम आपको पड़ेगा, और कितना इसमें मजदूरी लगता है, वो सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये हमारे पास कुछ टूल्स, 17 नंबर है, 18, 19 है, 24, 27 है, ये है हैंडल, और ये है 30 नंबर का गोटी, जिसकी मदद से हम हैंडल खोलेंगे। चलिए दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें चक्का को खोलना है, तो ये ब्रेक रॉड वाला ये है, ब्रेक रॉड वाला वायर है, तो हम पहले इसको खोल के हटाएंगे, फिर जाके ये मीटर वाला खोलेंगे, फिर जाके ये चक्का खोल के निकाल लेंगे बाहर, फिर इसका सोकर निकालेंगे। तो फाइनली हमारा चक्का खुल के हट चुका है, अब हम सोकर खोलेंगे। तो इस साइड का भी 12 नंबर खुल चुका है, अब एक और बोल्ट इस साइड में रहता है, तो 12 नंबर का बोल्ट एक इस साइड और एक उस साइड रहता है, इस दोनों को निकालेंगे, फाइनली सोकर हमारा जो है बाहर आ जाएगा। और ऊपर का जो है ये 27 नंबर वाली बोल्ट, इसे भी हम ढीला कर लेंगे ताकि बाद में खोलने में आसानी हो। इसमें चेक करेंगे वाइल का लेवल कितना है, वाइल कम रहने से भी सोकर खटखट आवाज़ रहता है, तो हम वाइल को भी चेक कर लेंगे, अगर जो ख़राब होगा तो चेंज करेंगे, और वाइल अगर जो थोड़ा सा कम होगा तो उसमें डाल भी सकते हैं। तो हमें जो है इसमें बस इसे थोड़ा सा नीचे करना है, और फिर जाके इस वाले बोल्ट को हम ढीला कर लेंगे ताकि यहाँ पर बाद में खोलने में परेशानी ना हो। तो इसको ढीला करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर जो बोल्ट है, इस बोल्ट को हमें टाइट करना है ताकि सोकर के अंदर पकड़ आ जाएगा, फिर जाके ये ढीला होगा, ये वाला जो है ये ढीला हो जाएगा फिर। तो फाइनली ये जो है ये हमारा ढीला हो चुका है, तो इसी तरह हमें दोनों सोकर में करना है और सोकर को बाहर निकाल लेना है। ऊपर वाला जो बोल्ट था 27 नंबर का, उसे ढीला करने के बाद फिर इसे भी ढीला करना होता है, तब जाके नीचे आएगा, क्योंकि ये तो हमने टाइट किया था उसे ढीला करने के लिए, तो इसे ढीला करके फिर जाके निकल। तो फाइनली हमारा सोकर जो है वो निकल चुका है, तो हम इसमें वाइल का लेवल चेक कर लेंगे कि वाइल इसमें कम तो नहीं है, और जो कम रहेगा तो इसमें नया वाइल डालेंगे, 80-85 रुपया पड़ता है एक सोकर वाइल का, तो डाल देना ही बेहतर होता है ऐसे। तो फाइनली यहाँ पर जो है सब कुछ मेरा निकल चुका है, तो ये जो हैंडल वाला बोल्ट है, यहाँ से नीचे से 17 नंबर का बोल्ट रहता है, इसमें इसे लूज़ करना है, फिर जाके इसमें रिंच लगाने में बनेगा, वरना इससे इसकी वजह से नहीं लगाने में बनता है। तो फाइनली ये जो है हमारा ढीला हो चुका है, अब उस साइड का करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा इस साइड का भी ये ढीला हो चुका है, अब 30 नंबर की गोटी की मदद से हम हैंडल इसको खोलेंगे। तो ये हमारा ढीला हो चुका है, इसके ऊपर प्लास्टिक का एक कवर है, इस कवर को निकालना है, और एक यहाँ पर 10 नंबर की बोल्ट है, इसे हम खोल लेंगे। तो हमारे पास 30 नंबर का गोटी है, इसकी मदद से हम हैंडल को भी खोलेंगे। तो फाइनली ये जो है ये हमारा 30 नंबर का बोल्ट खुल चुका है, तो हमें इसे निकालना है, निकालने से पहले हमें ध्यान देना है कि मतलब इसको अगर जो हम यहाँ से हटा के रखते हैं टंकी के ऊपर, तो टंकी में स्क्रैच भी आ सकता है, तो सबसे पहले हम इसका टंकी भी खोल लेंगे, टंकी को भी खोल लेंगे और सीट को भी खोल लेंगे, वैसे इसमें सर्विस तो होगा ही,
तो इसमें ये सब भी खोल लेना है। तो हमने इसका पैनल भी खोल लिया है। पैनल खोलने के बाद सीट के अंदर होता है 10 नंबर का बोल्ट, हमें उसे खोलना है और फिर जाकर टंकी खोलेंगे। अब वो देख पा रहे हैं यहाँ पर है 10 नंबर की बोल्ट, हम उसे खोलेंगे और सीट बाहर निकल जाएगा। देख पा रहे हैं कि इसमें कितना गंदगी है। तो सर्विस करने के टाइम बस इस ये सब ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर धूल गर्दा बैठता है तो जंग लग जाता है, जिसके कारण इसका चेसिस भी ख़राब होता है। तो इस ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सर्विस जब होता ही है तो गाड़ी को खोल के बढ़िया से वॉश करना चाहिए। तो हमें यहाँ पर पेट्रोल पाइप जो है उसे निकाल लेना है। पेट्रोल बंद है, पेट्रोल पाइप को निकाल लिया हमने, और यहाँ पर टंकी का वायर है इसे भी हम निकाल लिया है। और वहाँ यहाँ पर एक 12 नंबर का बोल्ट है, उसे खोल लेना है और टंकी बाहर आ जाएगा। तो फाइनली हमारा टंकी जो है निकल चुका है। तो जैसा कि हमने आपको दिखा दिया था कि मैंने टंकी को सीट को सबको निकाल दिया है, और हमें अब इसे निकालना है। तो फाइनली ये जो है हमारा पूरा सेटअप निकल चुका है, और हमको इस तरह से इस साइड में ध्यान से ताकि उधर से फूटे ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा हैंडल जो है फाइनली वो सब कुछ निकल गया है, बस ये बोल्ट को आप खोलना है और ये पूरा जो है ये सेट पूरा बाहर आ जाएगा। तो फाइनली ये जो है हमारा खुल चुका है, और हम इसका अब करते हैं बोल्टेसर को चेक। तो हमें लग रहा है कि लगभग इसमें हाल फिलहाल ही काम हुआ है, तो इसका बोल्टेसर अभी सही है, फ्रेश है। बस इसमें ग्रीसिंग की ज़रूरत है, हैंडल बहुत ही ज़्यादा टाइट था इसलिए इसमें ग्रीसिंग हो जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे का भी बोल्टेसर बिल्कुल भी सही है इसमें। तो इसमें बस एक छर्रा लगाएंगे और ये ठीक हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको, इसका भी बोल्टेसर सही है। इसमें 4 बोल्टेसर रहता है और ये एक ऊपर से रहता है, 2 बोल्टेसर उसमें रहता है और 2 बोल्टेसर इसमें रहता है। ये ऊपर से रहता है और बीच में ये छर्रा रहता है, जिसकी मदद से हैंडल घूमता है। तो हमें इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है ताकि पुराना ग्रीस इसमें ना रहे और इस पर कोई भी कंकर ना रहे, क्योंकि इसी पर जो है हैंडल स्मूथली घूमता है, फ्री रहता है। तो इसी तरह से हमें 4 बोल्टेसर को साफ़ करेंगे और नया छर्रा जो है लाएंगे वो हम इसमें लगाएंगे। तो ये है मेरे पास छर्रा, 20 रुपया दाम पड़ता है। इसे लगभग 2 सर्विस के बाद, 1 सर्विस के बाद इसे चेंज कर देना चाहिए, ज़्यादा बजट पड़ता नहीं है, मात्र 20 रुपया पड़ता है छर्रा का। लोकल छर्रा ही है पर काम अच्छा करता है, ये हम यूज़ करते हैं। तो चलिए ये वाला जो है ये प्लास्टिक, इस प्लास्टिक को हम रहने देंगे और इसमें से सिर्फ छर्रा को हम निकाल लेंगे और इसको अच्छे से धो के साफ़ करके फिर जाके हम इसमें नया छर्रा लगाएंगे। तो फाइनली इसमें जहाँ तक हो सका है वहाँ तक हमने साफ़ कर दिया है, और हम इसमें अब लगाएंगे ग्रीस। ग्रीस लगाएंगे, उसके बाद छर्रा लगा के इसको सेट करेंगे। तो हमें अब इस प्लास्टिक में लगाएंगे छर्रा को, इस तरह से सारे छर्रा को इसमें बैठा देंगे। तो फाइनली हमने इसमें सारा छर्रा को बैठा दिया है, अब हम इसको इसमें लगाएंगे ग्रीस। तो ये जो है ये इसके ऊपर वाला है, ये इसके ऊपर वाला है, और ये जो है इस तरह से इसमें लगता है, इस तरह से ये इसमें लगता है। तो हमें इसे भी ग्रीसिंग कर लेना है, तो हम इसमें भी ग्रीसिंग करेंगे। तो इसमें ग्रीसिंग हो गया, अब इसमें छर्रा बैठाएंगे। इस तरह से इसका छर्रा बैठाना है। अब देख पा रहे हैं अच्छे से छर्रा बैठ गया है। अब ये जो था ऊपर वाला बोल्टेसर, ये इसका था ऊपर वाला बोल्टेसर, तो इसको इसमें इस तरह से बैठाना है, इस तरह से। अब इस तरह से देख सकते हैं ये बैठ चुका है, यहाँ पर जितना भी ग्रीस है इसको इस तरह से इसको लपेट देना है। और इसमें कोशिश करना चाहिए कि अच्छी क्वालिटी का ग्रीस देना चाहिए, ताकि ये बार बार नहीं खुलता, हर सर्विस में नहीं खुलता है ना, इसलिए इसमें अच्छी क्वालिटी का ग्रीस रहेगा तो इसमें ज़्यादा बेटर रहेगा। ये इसके ऊपर से कैप रहता है पानी से बचाने के लिए। तो फाइनली ये जो है हमारा टी, इसको कहते हैं, ये कंप्लीट है। अब हम इसको लगाएंगे, और इसके ऊपर से ये है चेक नट, इस चेक नट को हम लगा देंगे। तो ये हमारा चेक नट, और ये चेक नट को भी हम अच्छे ढंग से टाइट कर देंगे, और देख लेना है कि मतलब ये फ्री है या नहीं, फ्री है या नहीं। और बाकी बात जो है हम फुल टाइट करने के बाद भी इसको मिलाएंगे, ताकि चलाने के टाइम किसी भी तरह का दिक्कत ना रहे।
तो फाइनली ये हमारा जो है हैंडल का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम सबको इस तरह से लगाएंगे, बस इसे लगा देना है इस तरह से अच्छे से बैठा के। तो फाइनली ये जो है हमारा बैठ चुका है। अब जितना भी हमने खोला था बस सेम उसी तरह हम सबको टाइट कर देंगे। इसलिए हमने इसको फंसा दिया अभी। तो आपको चलते हैं सॉकर की तरफ लेके और सॉकर में चेक करेंगे उसका वायल का लेवल कितना है, उसमें वायल डालना ज़रूरी है या और कुछ है उसमें। तो हमने इसको ढीला किया था तो ये आसानी से अभी खुल जाएगा। तो हम इसको अभी खोलेंगे और इसमें वायल चेक करेंगे कि वायल कितना है। तो ऊपर से तो इसमें वायल दिख नहीं रहा है कि कितना लेवल पे है और वायल कैसा है। तो अभी हम थोड़ा सा स्प्रिंग को बाहर निकालेंगे और पता चलेगा कि मतलब इसमें कैसा वायल है इसमें। ओके जी, ये तो आप देख सकते हैं वायल इसमें बिल्कुल भी फ्रेश वायल है, जो कि इसका हाल फिलहाल ही लगता है चेंज हुआ है। तो वायल इसमें ठीक है, तो वायल को भी हम नहीं चेंज करेंगे। हमारा काम था सिर्फ चेक करना, हैंडल टाइट था तो हमें लगा कि सॉकर में भी प्रॉब्लम होगा, तो इसका वायल जो है बिल्कुल ठीक है। फाइनली तो हम इसको टाइट कर देते हैं। हमारा सॉकर जो है वो बिल्कुल तैयार है, अब हम इसके अंदर लगाएंगे। तो हमने सॉकर को भी टाइट कर लिया, ऊपर का जो बोल्ट ढीला था। तो फाइनली हमारा जो हैंडल है वो कम्प्लीटली टाइट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसमें आप ये दिखा देते हैं आपको कि ये फ्री रहना चाहिए, इस तरह से ये फ्री रहता है ताकि कोई दिक्कत ना आए चलाते समय। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ा, ये अपने आप आ गया। ये बिल्कुल फ्री रहना चाहिए। अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप एक लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम लेके आते रहते हैं। तब और भी इसमें बहुत सारा काम है बट पूरा वीडियो हम बना नहीं सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए तब तक के लिए बाय।